जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है वैकेंसी यूपी पीसीएस के द्वारा जारी की गई है, जिसका आवेदन आज से शुरू है। अर्थात दोस्तों 3 नवंबर 2021 से इसका आवेदन शुरू किया जा रहा है। इसके नीचे दोस्तों आप लोगों को बता दें, दिया हुआ है प्रोग्रामर श्रेणी 2 प्रबंधक सिस्टम के लिए भी लोक सेवा आयोग ने मांगे आवेदन। दोस्तों विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोगों को पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, प्रोग्रामर श्रेणी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी बुधवार को विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आय सीमा में छूट के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध रहेंगे। इसके नीचे दोस्तों दिया गया है कि आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी है वो 29 नवंबर, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर निर्धारित की गई है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रोग्रामर श्रेणी 2 का 1 पद एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के 3 पद जो है खाली हैं। वहीं औद्योगिक विकास विभाग में प्रबंधक यानी सिस्टम का 1 पद रिक्त है। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो। वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रोग्राम श्रेणी 2 पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 25 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों आज जो है यूपीपीएससी के द्वारा दोस्तों जो भी विज्ञापन है वह जारी किया जाएगा, और आज से ही आप लोगों का आवेदन लिया जाएगा। तो जितने भी व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह लोग आज से आवेदन शुरू कर देंगे और अपना आवेदन जरूर करेंगे। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।